आज हमारे एजे स्टाइल फाइनली रेसलिंग वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले चुके हैं। ओके, स्मैकडाउन के स्टार्टिंग करते हैं। निक ओल्डिस जो बुलाते हैं मोटी एंटी को, वो नाया जक्स कहकर बुलाते हैं कि मोटी एंटी इधर आइए। मोटी एंटी वहाँ पर जाती है तो वो अपनी तारीफों को पुल बांधने लगती है, लेकिन वहाँ पर वो सीधा कॉल आउट कर देती है बेली को। वो बोलती है कि बेली, मैं तेरे से चैंपियनशिप छीन लूँगी और तू मेरे सामने आ। उसके बाद बेली वहाँ पर आती है तो चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर उसके बाद पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन जाती है रिंग के अंदर। चेल्सी ग्रीन बोलती है मोटी एंटी को कि तू मोटी एंटी तू क्या जानती है, तू उसको चैलेंज करेंगी? तू उसको चैलेंज नहीं, मेरी बहन यानी ये क्या बोलते हैं पाइपर नेविन उनको चैलेंज करने वाली है। तो ना मैं एजेस्टेल और निकोल्डिस का एक सेगमेंट देखने वाला छोटा सा, जहाँ पर बोलते हैं कि अब मेरे को वो करना ही होगा। उसके बाद वो बोलते निकोल्डिस बोलते कि ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम चाहो जैसा कर सकते हो लेकिन एक बार ज़रूर सोचना। उसके बाद हमें नियोमी और बेली का भी एक मैच देखने को मिलता है। उसके बाद एस्टिन थ्योरी का हमें एक सिंगल मैच टोमासो चैंपियन के अगेंस्ट देखने को मिलता है कोई, और उसके बाद यार ये कोई खास मैच तो था नहीं। उसके बाद हमें कोई एनएक्सटी की लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक नियोमी आ जाती है। नियोमी पाइपर नेविन के अगेंस्ट मैच मांगती है, लेकिन वो एनएक्सटी की लड़की बोलती है तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं अब इस निकोल्डिस से बात कर रही हूँ, तुम कैसे बीच में टपक पड़ी, तुम्हें बदतमीज। उसके बाद आगे हमें एलानाइट और लोगन पॉल देखने को एलानाइट देखने को बोलते जो लोगन पॉल को चैलेंज कर रहे होते हैं पूरे स्मैकडाउन के अंदर। वो पूरे लोगन पॉल को ढूंढते हैं लेकिन लोगन पॉल वहाँ पर नहीं मिलते, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर मैं एलानाइट लोगन पॉल को चैलेंज करूंगा। देन हमें अंद्रादे और अपोलो क्रूज के बीच सिंगल मैच भी देखने को मिलता है। और अब आती है मेन बात, हमें पोली और सोलो के बीच एक अच्छा सा सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर पोली बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जो पुराना ट्राइबल चीफ था वो कितना स्वीट था, मेरे को हर काम पूछ के किया करता था, लेकिन तुम मेरे से कोई भी काम पूछ के नहीं करते हो, तुम मेरे से ना ही कुछ सलाह लेते हो, और ऐसे इनके बीच बात चलती रहती है। उसके बाद हमारे पोले मन फिर से बोलते हैं कि तुम कोडी रोड्स को संभालो क्योंकि कोडी रोड्स हमारे मेन कांटा है। उसके बाद वहाँ पर सोलो बोलते हैं कि मैंने उसके लिए इंतजाम कर लिया है, लेकिन तुम तो जाओ केओ को संभालो यानी केविन ओवेंस को। उसके बाद हमारे पॉल हेमन यार, उसके बाद हमें स्मैकडाउन पर केविन ओवेंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर पॉली जाकर इनको समझाते हैं कि तुम सोलो के पास मत जाओ, यह रोमन रेंस नहीं है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, ये सोलो सिखा हुआ है जो अपने बंदों के साथ तेरे को मार मार के सीधा कर देगा। उसके बाद ऐसे ही पॉल हेमन बहुत समझाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे जो क्या होते हैं वो मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी करता हूँ मैं सोलो से बिल्कुल नहीं डरने वाला हूँ, और मैं ब्लड लाइन के साथ पहले से फाइट करते आ रहा हूँ और आज भी फाइट करूंगा। उसके बाद हमारे सोलो सिक्वा और उनके टट्टू देखने को मिलते हैं जो मिलकर हमारे केवो के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन जो केविन ओवेंस होते हैं वो सोलो सिक्वा ऊपर अटैक कर देते हैं और जो स्ट्रीट प्रॉफिट होती है वो उन दोनों बंदों के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद यार हमें ब्लड लाइन वर्सेज स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच भी देखने को मिलता है जिसमें ब्लड लाइन विंस कर जाती है। उसके बाद हमें बेली और नियोमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन पाइपर नेविन का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर देखो यार मैं सीधा बोलता हूँ कि चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन जीत चुकी है। अभी तक तो हमें स्मैकडाउन में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उसके बाद हमें एजे स्टाइल बैक स्टेज एलानाइट के साथ देखने को मिलते हैं। एलानाइट बोलते हैं कि जाओ बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद उनके बंदों के साथ लेकर वो रिंग में चले जाते हैं, रिंग में उनके लिए बारे में बात करते हैं कि अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं है, अब मेरे को यार WWE से रिटायरमेंट लेना है। वो बोलते हैं कि अब बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। उसके बाद वापस उनके बंदे चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब मेरे को कोडी रोड्स के साथ लास्ट यार एक बार मिलना है। तो कोडी रोड्स वहाँ पर आते हैं और कोडी रोड्स तो पूरा इमोशनली हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर हमारे एजे स्टाइल पूरी तरीके से कोड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी हमारे एजे चल झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे, उनका रिटायरमेंट नहीं लेने वाला है। वो हमको हिला दिया यार, मैं तो हिल गया था यार जब मैंने फर्स्ट में देखा कि एजे चल जाने वाले हैं। और फाइनली हमें पता चल चुका है कि मैं चैंपियनशिप के लिए कोड़ी रोड पर एजे स्टाइल का मैच देखने को मिलने वाला है। तो मेरे को आज के वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सबको राधे राधे।